नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत करता हूँ मैं अपना YouTube चैनल पर। आज मैं PFC पावर सप्लाई के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं ये पावर सप्लाई के बारे में अभी तक मेरे वीडियो में कोई एक भी वीडियो नहीं है। और ये PFC पावर सप्लाई कैसे कैसे काम करता है, इसमें क्या क्या सेक्शन है और ये कौन कौन सा TV में भी रहता है, ये भी मैं बता रहा हूँ। ये ज़्यादातर आपका 32 इंच से ऊपर जो TV है, जैसे 42 इंच या 50 इंच के ऊपर जो, जिसमें बहुत ज़्यादा एम्पियर का ज़रूरी पड़ता है, बैकलाइट हो या पैनल सप्लाई हो या साउंड सप्लाई हो, इसके लिए अलग सा इसमें एम्पियर देना पड़ता है। इसलिए ये पावर सप्लाई PFC पावर सप्लाई का इस्तेमाल किया गया है। इसका पावर सप्लाई PFC का मतलब है पावर फैक्टर करेक्शन। ये वोल्टेज को बूस्ट करा के अलग सा सप्लाई इसमें निकला गया। देखिए, इसमें 3 सेक्शन लगा हुआ है। यहाँ पर EMI सेक्शन है इसका, मैं इसको ड्रॉ किया हूँ आप लोगों को अच्छे से समझाने के लिए। देखिए, यहाँ तक इसका EMI सेक्शन है। और EMI मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो ये होता है। और यहाँ इसके बाद यही सप्लाई, फिर यहाँ पर PFC सर्किट लगा हुआ है। और ये है इसका पावर सप्लाई, जो स्टार्टिंग पावर सप्लाई है। पहले ये पावर सप्लाई में हमको वोल्टेज मिलना ज़रूरी है। उसके बाद ये है इसका बूस्ट सप्लाई का, जो जहाँ से हमको 24 वोल्ट या 12 वोल्ट जो मिलता है वो। तो आप लोग एकदम वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखिए, मैं सारा इसमें कंपोनेंट्स और कैसे काम करता है ये सप्लाई, पावर सप्लाई, वो मैं बता रहा हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखें और दोस्तों को शेयर भी करें, फ्रेंड्स। चलिए, मैं यहाँ से चालू करता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये यहाँ से स्टार्टिंग हुआ है। यहाँ पर AC220 इनपुट होगा इस जगह पर। यहीं से एक फ्यूज़ है, ये फ्यूज़ लगा हुआ है। फ्यूज से होते हुए फेज और न्यूट्रल, बीच में एक VDR है, एक PF इसका पैरेलल में लगा हुआ है और एक रेजिस्टेंस है। उसके बाद यहाँ पर लाइन फिल्टर कॉइल लगा हुआ है दोनों साइड में। और ये AC220 सीधा आपका ब्रिज रेक्टिफायर जो होता है, 4 डायोड मिलकर ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है। उसका देखिए एनोड कैथोड पर फेज लगा है, इसका भी एनोड कैथोड पर फेज न्यूट्रल लगा हुआ है। तभी पर ये दोनों कैथोडों से हमको पॉजिटिव सप्लाई मिलेगा और यहाँ पर इसका नेगेटिव इस साइड में। यही पॉजिटिव सप्लाई देखिए सीधा मैं रेड पेन से मैं इसको मार्किंग किया हुआ। देखिए, यहाँ पर सीधा यहाँ कैपेसिटर पर आएगा। अगर मान लीजिए इतना तक यहाँ पर नहीं है सप्लाई इसका, यहाँ पर इतना जो सर्किट है PWM सर्किट जो है ये यहाँ पर नहीं है, तो ये पॉजिटिव सप्लाई सीधा डायोड भी मान लीजिए नहीं है, तो सीधा ये कैपेसिटर पर आएगा जो फिल्टर करेगा, जो DC 220 वोल्ट है उसको फिल्टर करके यहाँ पर हमको DC 300 के आसपास वोल्टेज मिलेगा। वो नॉर्मल कंडीशन में जो हमको नॉर्मल पावर सप्लाई में मिलता है, ठीक उसी तरह है। और वो नॉर्मल पावर सप्लाई का जो ये सर्किट है, वो 300 वोल्ट, देखिए एक SMPS ट्रांसफार्मर यहाँ पर है, उसका एक वाइंडिंग पर आया हुआ है और वही वाइंडिंग इसका डायोड एक MOSFET के साथ जुड़ा हुआ है, जो एन चैनल MOSFET है, उसका ड्रेन के साथ जुड़ा है। और एक इसका ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी है। और ए MOSFET को चलाने के लिए एक PWM IC यहाँ पर लगाया हुआ है। ये PWM जब स्विचिंग होगा तभी यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग भी काम करेगा, तो हमको VCC सप्लाई परमानेंटली इस जो ये PWM IC है इस पर आएगा। तो अभी इसको VCC सप्लाई हमको चाहिए। इसके लिए जो 300 वोल्ट है, यहीं से थोड़ा हाई वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाकर इसका VCC सप्लाई पहले दिया हुआ है। तो ये MOSFET स्विचिंग हुआ होकर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनकर इसका VCC यहाँ पर मिला। और यहाँ पर 5 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं, इसके जानकारी देने के लिए यहाँ पर फीडबैक सेक्शन बना हुआ है। देखिए, एक ऑक्टोकपलर है TL431। तो यहाँ पर दो रेजिस्टेंस देकर एक ग्राउंड करके यहाँ से वोल्टेज डिवाइडर सर्किट के थ्रू TL431 का पिन पर आया है। और TL43 का एक ग्राउंड है पिन, और दूसरा पिन इसका जो फोटोकपलर का डायोड LED डायोड है उसका, देखिए कैथोड पर गया है। और इसका
एनोड सीधा 5 वोल्ट से जुड़ा हुआ है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ताकि ये एलईडी ग्लो होगा। जब भी यहाँ पर वोल्टेज आएगा तो ये एलईडी ग्लो होगा, एलईडी ग्लो होगा, फिर यहाँ पर जो एलडीआर मतलब फोटो कपलर ट्रांजिस्टर जो है, एक इसका पिन ग्राउंड है और 3 नंबर पिन इसका, एक नंबर इस पिन से इसका फीडबैक हम लोग को PWM IC पर मिलेगा। आप लोगों को अगर समझ में नहीं आ रहा तो फिर वीडियो को रिपीट करके अच्छे से समझिए। ये हमको नॉर्मल पावर सप्लाई जो रहता है, अगर ये नहीं है तो इस प्रकार से नॉर्मल पावर सप्लाई हम लोग को काम करता है। तो फीडबैक जब मिलेगा तो कितना वोल्ट यहाँ पर जनरेट हो रहा है वो इसको पता चलेगा। ठीक उसी प्रकार से स्विचिंग भी, स्विचिंग का स्पीड जो है पल्स वो कम ज़्यादा करके होता रहेगा। जैसे 5 वोल्ट के लिए कितना स्विचिंग कराना है वो PWM IC डिसाइड करती है। और ये ऑक्सिलरी वाइंडिंग से एक डायोड है, फिर वहीं से मैं और एक लगाया हूँ बाद में, ठीक सेम यही सर्किट यहाँ पर भी अप्लाई होगा। देखिए वही 300 वोल्ट से रेड वायर से मैं यहाँ पर एक ट्रांसफार्मर है, SM ट्रांसफार्मर SMPS, लेकिन ए ट्रांसफार्मर में थोड़ा डिफरेंट है क्योंकि इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वायरिंग नहीं है और यहीं से सेकेंडरी साइड का वोल्टेज लिया गया है जो हमको ज़रूरी है 24, 12 ये सब। तो यहाँ पर तो आ गया है वोल्टेज, इसको स्विचिंग कराना है अभी। इसका फीडबैक सेक्शन भी उसी प्रकार से बनाया हुआ जहाँ पर इस प्रकार यहाँ पर जैसे बना था, 2 वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट लेकर TL431 देकर फोटो कपलर लगाया हुआ है और यही 24 वोल्ट से एक रेजिस्टेंस देकर यहाँ पर फोटो कपलर जो कपलर है इसका LED को ग्लो कराने के लिए पॉजिटिव वोल्टेज मिला है और यहाँ से इसको ग्राउंड मिल जाएगा तो ये ऑन हो जाएगा, तो यहाँ से फीडबैक PWM में आएगा। इतना सब सारे सर्किट कंप्लीट हो गया, लेकिन ये MOSFET को स्विचिंग कराने के लिए इसका PWM को VCC सप्लाई ज़रूरी है। VCC सप्लाई कहाँ से लेंगे? तो पहले जो मैं ये पावर जो पहले वाला सेक्शन था पावर सप्लाई का, वहीं से देखिए जो एक्जिलरी वाइंडिंग था वहीं से जो 12 से 14-15 वोल्ट जो निकला है एक डायोड देकर इसको DC बना लिया गया और यहाँ पर एक कैपेसिटर रहेगा, मैं वो ड्रॉ नहीं किया हूँ। वो वोल्टेज सीधा एक MOSFET पर आकर रुका हुआ है, अभी ये वोल्टेज इधर पास नहीं हुआ है। अभी यहीं पर समझने वाली बात है फ्रेंड्स, इस पावर सप्लाई को मैं पूरा वही समझाने की वजह से मैं ये बनाया हूँ। अब ये ड्रॉ भी अभी इसको भी छोड़िए, इस सेक्शन को छोड़िए, पहले इसको समझ लीजिए। तो ये जो अभी ये चालू नहीं हुआ है, 5 वोल्ट भी यहाँ मौजूद है मान लीजिए, यहाँ पर हम लोग 5 वोल्ट मिल रहा है लेकिन अभी भी ये चालू नहीं है, तो कैसे चालू होगा, स्टैंड बाय ऑन कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर तो वो VCC सप्लाई आकर MOSFET पर रुका हुआ है और जो ये 5 वोल्ट है वो मदरबोर्ड में जाएगा, जो हम लोगों का टीवी का LED TV का मदरबोर्ड रहता है उस मदरबोर्ड में जाएगा। मदरबोर्ड से जब पावर ऑन का सिग्नल हम रिमोट से या स्विच से हम लोग इसको प्रेस करेंगे तो वहीं से जो सिग्नल निकलेगा या वोल्टेज निकलेगा, यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसका बेस पर आएगा और इसका एमिटर इसका ग्राउंड है और इसका इस तरफ से एक फोटो कपलर जो ऑप्टो कपलर है उसका LED पर आएगा, तो LED इसके कैथोड को आया और ये एनोड में इसका 5 वोल्ट से डायरेक्ट वोल्टेज लिया हुआ है रेजिस्टेंस का ऊपर। तो ये स्टैंड बाय वन का, तो ये यहाँ से ग्राउंड वोल्टेज यहाँ पर पहुँच जाएगा और ये LED ग्लो हो जाएगा, फिर जो इस तरफ जो ट्रांजिस्टर लगा है फोटो ट्रांजिस्टर ये इसका जो लाइट है वो यहाँ पर पड़ेगा तो ये इसको पता चलेगा वो सिग्नल। देखिए यहाँ पर एक MOSFET जो था यहाँ पर पहले से ही 15 वोल्ट या आकर बैठा हुआ है, उस वोल्टेज को क्योंकि ये MOSFET है तो MOSFET को गेट पर हम लोग कभी भी सिग्नल नहीं देने से इसमें से वोल्टेज पास नहीं होगा, तो यहाँ पर जब ग्लो होगा तो यहाँ से कुछ वोल्टेज यहाँ पर इसका गेट पर आएगा और वो 15 वोल्ट इससे स्विच की तरह पास होकर देखिए इस PWM IC पर आया हुआ है। यहाँ पर थोड़ा समझने की बात है फ्रेंड्स, तो OVCC जब यहाँ पर आया फिर ये स्विचिंग होगा क्योंकि PWM को सारा वोल्ट सारा कुछ यहाँ पर मिला हुआ है, सिर्फ इसका VCC नहीं था, तो VCC मिला तो यहाँ से गेट पल्स निकला और ये जो MOSFET है ये स्विचिंग होगा, स्विचिंग होकर यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा फिर यहाँ पर वोल्टेज बनना चालू हो जाएगा। अभी तक इतना वोल्टेज तो बन गया लेकिन इसमें एम्पियर बूस्ट नहीं है क्योंकि अभी हम लोग PFC सर्किट चालू नहीं है।
तो हमको पीएफसी सर्किट भी चालू करना पड़ेगा। और इसी में मैं समझ लीजिए कि पर्ट भी कहाँ से आएगा, आप लोगों को इसी वीडियो में भी पता चल जाएगा, मैं बाद में बता रहा हूँ। तो देखिए इसमें भी एक सर्किट लगा हुआ है, इसका बारे में मैं नहीं बताया। जैसे ही मॉस्फेट का जो ड्रेन जो SMPS के साथ जुड़ा है, यहाँ पर एक डायोड लगाकर एक रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर देकर इसका प्रोटेक्शन के लिए ये लगाया हुआ है। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। जैसे यहाँ पर बहुत हाई वोल्टेज रहता है और कभी कभी ऐसा होता है कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के वजह से वोल्टेज अगर इधर आ जाए तो ये सारे कुछ कंपोनेंट्स को ख़राब कर सकता है। इसीलिए प्रोटेक्शन के तौर पर डायोड का और रेजिस्टेंस देकर कैपेसिटर देकर यहाँ पर इसको डिस्चार्ज की तरह सोच लीजिए, एक तरह उस तरफ लगाया हुआ है और यहाँ पर भी है प्रोटेक्शन के लिए। तो इतना सारा सर्किट तो बंद हो गया। अब मेन टॉपिक्स पर हम लगाते हैं आते हैं, जैसे कि PFC सर्किट। ये क्या होता है कि जो पॉजिटिव सप्लाई है फ्रेंड्स, तो पॉजिटिव सप्लाई के साथ एक सीरीज में लगा हुआ है। देखिए जो यहाँ का चॉपर ट्रांसफार्मर है वो सीरीज में लगा हुआ है, जो इसका इंडक्टर कॉइल है, अंदर इंडक्टर कॉइल है उस सीरीज में देखिए है। फिर उसके बाद एक डायोड है यहाँ पर, ये ठीक उसी तरह काम करता है जैसे कि बूस्ट सर्किट हम लोगों का है। जैसे हमारा LVDD बूस्ट होता है, सेम उसी प्रकार से इसका भी सर्किट वही है। तो यहाँ से 300 वोल्ट इसके अंदर से पास हुआ, फिर एक डायोड से यहाँ पर 1 वोल्ट ड्रॉप होकर फिर यहाँ पर कैपेसिटर पर आया हुआ है। तो यहाँ पर 300 वोल्ट मान लीजिए मिल रहा है और एक अलग सा डायोड देकर ऊपर से देखिए यहाँ पर लाया गया है, क्योंकि ये वोल्टेज यहाँ पर बराबर पहुँचता रहे और इधर कुछ प्रॉब्लम हो तो ये वोल्टेज रिवर्स ना आए इधर, इसके लिए भी ये डायोड का रहना ज़रूरी है। उसके बाद फ्रेंड्स इसका मेन जो है, देखिए जो यहाँ का सर्किट में बताया था पहले, जैसे कि यहाँ पर वो पावर ऑन का जब इस ट्रांजिस्टर पर आएगा, यहीं से इसका VCC फिर यहीं पर लिया हुआ है। देखिए एक VCC यहाँ पर इस सर्किट में गया है, ये PWM IC में, और एक VCC आपका इस PWM IC में एम में गया है, जो यहाँ का PFC सर्किट लगा हुआ है, कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ का तो सर्किट आपको पता ही होगा, तो चलिए उसके बाद मैं बता रहा हूँ। और देखिए और इसका एक जो वाइंडिंग है वो वाइंडिंग PWM IC के साथ जुड़ा हुआ है, जैसे कि इसका फीडबैक मान लीजिए यही है। यहाँ पर कितना स्विच, कितना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है ये इस IC को पता चलता रहेगा। किसी किसी पावर सप्लाई में अलग सा फीडबैक लिया जाता है ये 300 वोल्ट के द्वारा, लेकिन इसमें ऐसा ही है। इस सर्किट में मैं सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए बनाया हूँ, और बेसिक ऐसा ही रहता है। बेसिक जो सर्किट ज़्यादातर ऐसा ही PFC सर्किट हमको मिलेगा पावर सप्लाई का। तो इसमें भी वही है, जैसे कि यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा हुआ है, इसका गेट के देखिए गेट पल्स यहाँ से निकलेगा और सोर्स यहाँ पर एक रेजिस्टेंस देकर ग्राउंड किया गया है। ये रेजिस्टेंस क्यों दिया गया है, सारे मॉस्फेटों पर रेजिस्टेंस दिया गया है, क्योंकि ये ज़रूरी है, बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर स्विचिंग होता है फ्रेंड्स। तो ये रेजिस्टेंस थोड़ा कम ओम्स का रहता है, ज़्यादा वैल्यू का नहीं रहता है, लो ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये इसका मदद करता है तो स्विचिंग कराने में। तो यहाँ पर पल्स निकला और ये ऑन ऑफ होगा जब यहाँ पर देखिए इसका ड्रेन से कभी ऑन कभी ऑफ होगा, और ये जब मैग्नेटाइज हो जाएगा यहाँ से वोल्टेज, और यहाँ का भी स्विचिंग जब होगा तो यहाँ वोल्टेज बूस्ट होकर इस डायोड से पास हो जाएगा, और इस फिल्टर कैपेसिटर पर हमको लगभग 390 का आसपास ये पॉजिटिव पर हमको मिलेगा, 390 या 400 के आसपास हो जाता है कभी कभी, इतना वोल्टेज हमको इस जगह पर मिलेगा। तो वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ का एम्पियर भी बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। जैसे कि 24 से 50 वोल्ट लगता है किसी टीवी में जो बैकलाइट के लिए जो सप्लाई है, तो इसका एम्पियर बहुत कम था। जब ये सर्किट लगाने के बाद यहाँ पर वोल्टेज बूस्ट हुआ, जैसे 390 के आसपास वोल्टेज बूस्ट हुआ तो यहाँ का एम्पियर बढ़ गया,
क्योंकि इसका देखिए इसी यहाँ से ही इसका सप्लाई लिया हुआ लिया गया है इस कॉइल का, जो इसका चॉपर ट्रांसफार्मर है। तो यहाँ का वोल्टेज जैसे ही बूस्ट होगा यहाँ का एम्पियर बढ़ेगा और टीवी ओके कंडीशन में चलेगा। अभी इसका फॉल्ट समझिए आप लोग, अगर इसका हम लोगों को चेक करने से पहले पहले हमको यहाँ एसी 220 चेक कर लेना है, और यहाँ पर डीसी 220 डीसी में देख लीजिए रेक्टिफाई के बाद। उसके बाद इस फिल्टर कैपेसिटर पर हमको लगभग 300 के आसपास वोल्टेज मिलना चाहिए, उतना सही है तो इधर हमारा सर्किट सही है। उसके बाद अगर 5 वोल्ट हमको नहीं मिल रहा है तो हमको ये सर्किट को चेक करना है, जो सेकेंड वाला हम लोग SM ट्रांसफार्मर है इसको हमको चेक करना है कि यहाँ पर 5 वोल्ट क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस सर्किट में हमको मॉडिफिकेशन करना पड़ सकता है, अगर इसका मॉस्फेट ना मिले या PWM ना मिले तो यहाँ पर हम लोग 524 या ऐसा कुछ मॉड्यूल लगाकर इसको रन करा सकते हैं। पहले हमको 5 वोल्ट इस यहाँ पर लाना है, 5 वोल्ट अगर आ जाएगा तो ये सर्किट हम लोग यहाँ का वोल्टेज हम लोग चेक करते हैं। और एक तरकीब है, टीवी को बिना खोले ही आप लोग सिर्फ आपका पावर सप्लाई ही आपके पास आया है मान लीजिए बना लूँगा पेयरिंग के लिए, तो हम लोग मदरबोर्ड नहीं है तो ये क्या करेंगे 5 वोल्ट के साथ यहाँ पर 1 kΩ का रेजिस्टेंस देकर जो पावर ऑन का जो पिन है जहाँ पर लगता है। फ्रेंड्स थोड़ा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत तकलीफ होता है। फ्रेंड्स तो देखिए काम की प्रेशर भी रहता है और आदमी बीच बीच में आ जाता है, तो यहाँ पर मैंने क्या बताया कि 5 वोल्ट नहीं मिलने से ये सर्किट ऑन नहीं होगा, ये दोनों सर्किट ऑन नहीं होगा। तो इसको चेक करने के लिए हमको एक तरकीब होना चाहिए, जो यहाँ पर सॉकेट लगा रहता है पिन, तो यहाँ पर 5 वोल्ट और जो पावर ऑन का वहाँ पर लिखा रहेगा पावर सप्लाई में। मैं आपको एक स्क्रीन पर मैं दे रहा हूँ पिक्चर, इसका इमेज आप लोग देख लीजिए, तो उसके साथ शॉर्ट करा दीजिए 1 kΩ का रेजिस्टेंस, या डायरेक्ट भी शॉर्ट करा सकते हैं। तो क्या होगा, ये 5 वोल्ट सीधे आपका ट्रांजिस्टर पर पहुंच जाएगा और ये वोल्टेज जो इसका स्टार्टिंग में जो वोल्टेज था यहाँ पर VCC जो है ये VCC इस PWM में पहुँचेगा इसका और इसमें भी पहुँचेगा, तभी दोनों स्विचिंग चालू हो जाएगा और ये काम करने लगेगा। अगर इसको करने के बाद भी चालू नहीं हो रहा तो आप लोग इस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हैं, ऑप्टो कपलर चेक कर सकते हैं, या ये मॉस्फेट या इस जो सेक्शन है यहाँ का जो PFC सेक्शन है, ये PFC सेक्शन है और ये हाई वोल्टेज का सेक्शन है, तो यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं कहाँ से वोल्टेज बूस्ट नहीं हो रहा है, ये आप लोग को पता चलना चाहिए। अगर PFC सर्किट काम ना करे तो यहाँ पर 300 वोल्ट ही रहेगा, कभी भी 390 या 400 वोल्ट नहीं होगा। और ये सर्किट अगर काम नहीं करेगा तो ये वोल्टेज आप लोग का आउटपुट नहीं होगा, जो 24 वोल्ट 12 वोल्ट, तो हमको यहाँ पर प्रॉपरली देखना है। तो मैं सारा कुछ समझा दिया फ्रेंड्स, अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं मुझसे। ये तो PFC पावर सप्लाई का सर्किट डायग्राम था और ये काम कैसे करता था मैं ये समझा दिया। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मैं वीडियो जितना चाहता हूँ शॉर्ट में बनाने की कोशिश करता हूँ, मैं ज़्यादा बक बक करने का मेरा आदत भी नहीं है, मैं सिखाने के लिए कोई अलग सा मुझको फीस भी नहीं देना पड़ता। तो फ्रेंड्स मैं आज के लिए बस वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, इतना पर ही समाप्त करूँगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट कुछ अलग सा टॉपिक्स लेकर, तब तक के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।